हाथी भी और जो दूसरे होते ना उनके पास उनसे जोर ना लगे ना बेसिकली हाथियों से बेसिकली हाथियों से क्योंकि फिर उनको लगता था कि टूटना जाएगा क्या बात है तो ये वाला जो हिस्सा अभी इसको रेनोवेट किया है इन्होंने कर दिया है हाँ ये कर दिया रेनोवेट हाँ जी हाँ जी ऐसे ही देखने से लगे हमारे हमारे राजमाता जी हैं जयपुर की पद्मिनी देवी जी उनका हम भेज उनका घर है मैं भेज दूंगा आपको ये वीडियो मेन रेजिडेंस होता था वो आगे इधर ही था पर अब टूट गया काफी कुछ पर बहुत मेंटेन कर रहे हैं अभी और तो ये वाला तो और पुराना हाँ ये तो दरबार हॉल था एक टाइम में ये तो ऐसा लग रहा है जी क्या हाल चाल जय माता दी जय माता की तो उनके मतलब फिर आगे बेटे निकले कमांडो थे जयपुर के जो अपने राजा थे उनसे शादी हुई तो फिर वो वहीं चले उनकी डॉटर है दिया कुमारी जी जो कि अभी डिप्टी सीएम है राजस्थान गवर्नमेंट में और हमारे कभी कभी जैसे आते होंगे यहाँ हाँ उन्होंने सारा रेनोवेट करा एक वन बाय वन वो सारा रेनोवेट कर रहे हैं सब अच्छा बना रहे हैं और ऐसे ऐसे देखेंगे कि ये सब अच्छी तरह बन जाएगा पुरानी ये तो नेशनल हेरिटेज या उसके अंडर में बिल्कुल बिल्कुल हेरिटेज साइट है और ऐसे ऐसे सब तो ये जैसे जनरल पब्लिक के लिए क्यों खुला हुआ है जैसे नहीं जनरल पब्लिक विद परमिशन आ सकती है परमिशन बिकॉज यू नो जनरल पब्लिक को भी थोड़ा देखना पड़ता है ना कि उसका सेंसिटिविटी क्या है कहीं घूमना नहीं कहीं कुछ नहीं करना है वो सब भी थोड़ा देखना पड़ता है तो ये सब कर रहे हैं हमारी राजमाता जी हैं पद्मिनी जी उन्हीं के सहयोग से सब हो रहा है तो और जो एक जमता से आगे में कहीं ऊपर जयपुर जयपुर वो क्या था वहाँ वहाँ किला था जब यात्री वहाँ कोई नहीं रहता नहीं कोई नहीं रहता क्या बात है वैसे जन्नत है जन्नत है ये चीजें ऐसे थोड़ी मंदिर हाँ मतलब इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है अगर निकलना है उसके लिए क्या हुआ ये विपिन को बोलो और चला जाए अगर बोल बोले जानी है तो देख लो तुम बोले जाओ जो चलते होने में यहाँ कमरे ना
हाँ जी कभी आक्रमण हो ना पता ना लगे तो मतलब हाँ वैसे भूल जाए इंसान की यार किधर छुपे होंगे क्या होगा मुझे किधर को गए होंगे सही है जी फिर भी यहाँ से एक गुफा थे नीचे के लिए ना रानी ताल के लिए जहाँ से रानी नहाने के लिए निकलती थी यहाँ से एक डायरेक्ट अंदर ही अंदर गुफा थी वहाँ के लिए उस टाइम के है ये दूर गई है भाई जैसे क्यों अकेला तो वैसे ही रह सकता मैं बिल्कुल 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 यही तो चीज थी इनकी यार लोग ऐसे परेशान हो जाए कि कहाँ जाना है कहाँ से आना है बोलो मरे भाई बहुत अच्छा फोर्ट है नाहन में मजा आ गया भाई के साथ यहाँ पे आकर के ये संग्राम भाई है ये संग्राम भाई है नमस्कार ये हमारी प्रिय राजमाता साहब पद्मनी देवी जी जो कि जयपुर से हैं उनका है हम भी उन्हीं के ख़ानदान से हैं और अभी हमारे जो यहाँ के कर्ता धर्ता एक किस्म से कहूँगा वो हमारे पद्मनाभ जी हैं हमारे छोटे भाई हैं और ये सब उन्हीं का है वही सब देख रहे हैं तो आज अजय भाई के साथ मज़ा आ गया भैया मैं तो शौकीन चीज़ों को देख रहा और सर के साथ ये उतने जरों के वो गाना नहीं सुना है अक्कियों के जरों के से देखा है जो सांवरे हैं कि ऐसे होते थे यहाँ से लेडीज वगैरह यहाँ से देखते होते थे कि नीचे क्या हो रहा है यहाँ बैठ के सारी लेडीज पर्दा प्रथा बहुत थी ना तो यहाँ से देख रहा हूँ कि नीचे क्या हो रहा है बिल्कुल वही है ना भाई ये जरों के इनको बोलते हैं क्या हुआ ये पता नहीं क्या होगा कुछ रखने समाज में रखने के लिए होगा ये आप देख रहे होंगे कि ये किस लिए है उस टाइम लाइट तो होती नहीं थी तो हर जगह दिए जाए होते थे कि रास्ता साफ दिखता रहे जो ये चीजें हैं ये वेंटिलेशन के लिए होती थी यहाँ से अगर आप देखेंगे ऊपर बिल्कुल छत तक आप दियो का जो धुआं वगैरह वो यहाँ से वेंटिलेशन के लिए होता था ये क्योंकि लाइट तो थी नहीं उस टाइम इसलिए आप देखेंगे हर जगह ये रखी हुई चीजें देखो आप चारों साइड इनमें दिए होते थे ताकि चीजें दिखती रहें ये सब देखिए आप यहाँ भी दिए के लिए है तो बड़ा अच्छा लगा ये बोल रहे थे कि हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी खजाना खजाना तो ये बोल रहे थे कि गांव वगैरह में भी जब हल चलते हैं तब कहीं ना कहीं हो सकता है कि मटका आ जाए उसमें चांदी वगैरह मिल जाए तो मैंने बोला फिक्स डिपॉजिट वहीं से शुरू करो गोपाल जी कहाँ से निकले हाँ संक्रांति बहुत रिसर्च हो रही है
मतलब फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब एस्ट्रोनॉमी। तो अभी एक सर फोटोग्राफ्स हो जाते हैं सब। हाँ ये जो बनाने वाले ये चित्रकारी ना ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, जो चित्रकारी दीवारों पर हुई है। नाना सेक्शन, मैं सबको बता दूं एक बारी सर जी। उसको दे, उसको ज़ूम कर वो। तो ये मार्बल में हुआ है। तो एक मिनट मैं वैसे बता दूं, अभी रिकॉर्ड पे नहीं, बंद कर। और फिर अपना जो साफा होता है वो तो पहनते हैं। सर आना जरा एक मिनट। नहीं नहीं कोई नहीं, छोड़। ये उस टाइम का इंटरव्यू वगैरह कुछ होगा, ये क्या होगा पता नहीं। वो देखो ऊपर अलमारी, अलमारी है। ये तो मैं इनको मिलवा के ना इनको बोलूंगा इनको करें। ये जो चीज है ना इसको आडू बोलते हैं। आडू जैसे पुराने टाइम में बीम्स और पिलर थे ना। हाँ जी, हाँ जी, उसी हिसाब से ये सपोर्ट कर रहे हैं दीवारों में। अंदर जितने बाहर है उससे ज्यादा उतने अंदर। जैसे ये मतलब संदूक है, खराब हो जाएगी लकड़ी तो अगर ऑक्शन हो या कुछ हो तो ऐसे कैसे मिल सकता है। क्या यार ये पुराने संदूक है, इतने भारी भारी हैं। पुराने टाइम पे सर ऐसे होते थे। ये चीज़ें लोग तक जाते हैं चीज़ों को देखने के लिए, ये श्रृंगार के लिए ऐसे होने ना यार। ये अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ये पक्के देख के दुखे भाई बनता होगा कुछ ना खाने पीने के लिए। ये भी शायद पूजा रूम होगा जी उस टाइम का। पूजा रूम वगैरह होंगे। बहुत जबरदस्त। अगली बार थोड़ा और दिखाएंगे आपको। अब ये देखो ना कैसे बुलबुलैया। और आप एक चीज देखो ना, उस टाइम सर्दियों के कमरे अलग होते थे, गर्मियों के कमरे अलग होते थे। यहाँ एसी लगाने की जरूरत ही नहीं आपको। और आप ये देखो ना कि उनका दिमाग देखो यार भाई, जो टाइम आते जो भी बनाया है उनका दिमाग देखो कैसे अंदर 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 चारों तरफ को हर चीज। Thank you.
बेसिकली आज अजय भाई और सर के साथ हम यहाँ पे नहर में मौजूद हैं, बाकी सारे जितने भी लोग हैं ये आज इनको हमने मेला दिखाया, हमारा किला दिखाया सिरमौर का, जो कि हमारे प्रिय राजमाता जयपुर पद्मनी जी का है। अब हमारे जो महाराजा पद्मनाभ जी हैं उनकी जो मदर हैं दिया कुमारी जी, डिप्टी सीएम हैं बीजेपी शासन में राजस्थान में, तो इनको बहुत अच्छा लगा आज, बहुत बहुत ही अच्छा। मैं हम तो खुश पहली बार आए तो यहाँ सिरमौर जाते हुए मैं पहली बार अंदर गया हूँ, और तो बहुत ही नहीं, हम पहले भी इसको बाहर से देख चुके हैं, फिर अंदर हम आए नहीं, मैंने कहा परमिशन होगी नहीं होगी, तो चलो आप वो होता ना कि कोई चीज़ अब मिलनी देखनी थी तो आज आपसे मुलाकात हो गई और हम लोगों ने देख लिया। थैंक यू।